Afternoon everyone, how are you all? Hope you all are fine. Standard 5th, it's your English lecture today. We have started chapter number 7, right? That is the request. Half we have done and the rest we are going to do today itself. So let's begin. It is very easy to wrap fire in paper. There is no need to worry, answered the voice. Here is a piece of paper. Now watch. फिर वो जो एक स्ट्रेंज वॉइस थी उसने आंसर दिया कि ये तो फायर को पेपर में रैप करना बहुत ही ईजी है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये रहा एक पेपर का टुकड़ा, अब देखो इसे. The women wondered what will happen next. दोनों औरतें एकदम शॉक हो गई थी, वंडर्ड थी कि अब क्या होगा. एज दे वॉच्ड एंक्शियसली द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैपेंड बिफोर देम. फिर वो दोनों एकदम एंक्शियसली, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एकदम आतुर थी देखने के लिए, एक्साइटेड थी. द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, जो एकदम अनयूजुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अनयूजुअल, एक अनयूजुअल थिंग उन दोनों के सामने जो हो रही थी. देर वॉज नो वन टू बी सीन बट अ पीस ऑफ पेपर अपियर्ड ऑन द ग्राउंड एंड फोल्डेड इट सेल्फ ऑन अ जैपनीज लैंटर्न. नाउ पुट अ कैंडल इन साइड, सेड द वॉइस, एंड यू हैव पेपर फोल्डिंग फायर. ओके, फिर जैसे ही वो दोनों वहाँ देख रही थी, राइट, और कोई वहाँ नहीं था उन दोनों के अलावा, लेकिन एक पेपर का टुकड़ा था जो ग्राउंड पे पड़ा था, जो अपने आप फोल्ड हो गया जैपनीज लैंटर्न के अंदर. और फिर उस वॉइस ने, उस आवाज़ ने कहा कि अब इसके अंदर एक कैंडल रखो और एंड यू हैव पेपर होल्डिंग फायर, और अब आपके पास एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर फायर है. द ओल्डर डॉटर इन लॉ वॉज हैप्पी, अब बड़ी बहू थी वो खुश हो गई. बट द यंगर वन वॉज स्टिल सैड, लेकिन छोटी वाली अभी भी ना खुश थी, सैड थी. शी थॉट दैट पेपर कैन कैरी फायर इन अ फॉर्म ऑफ अ कैंडल, बट हाउ कैन पेपर कैरी विंड, सो शी आस्क द वॉइस. इज इट पॉसिबल टू कैरी विंड इन पेपर. फिर उसने कहा कि उसने सोचा कि पेपर कैन कैरी फायर इन द फॉर्म ऑफ अ कैंडल, राइट, पेपर है वो फायर को तो कैरी कर सकता है कैंडल के फॉर्म में, लेकिन क्या वो पेपर एक विंड को, यानी कि हवा को कैसे कैरी करेगा. उसने उस स्ट्रेंज सी वॉइस को पूछा कि क्या यह पॉसिबल है विंड को पेपर में कैरी करना. That is much easier than to carry fire, because the wind does not burn holes in paper, replied the voice. फिर उस voice ने reply किया कि ये तो आग से भी ज़्यादा easy है, क्योंकि वो आग तो paper को जला सकती है लेकिन wind नहीं. Another piece of paper came all by itself and lay on the ground between them. फिर दूसरा एक पेपर का टुकड़ा अपने आप आया ग्राउंड पे. द विमेन वॉच्ड ईगरली, दोनों औरतें उसे एकदम ईगरली देख रही थी. देयर वॉज अ पिक्चर ऑन इट ऑफ अ ट्री कवर्ड विथ वाइट एंड पिंक चेरी ब्लॉसम्स एंड टू विमेन स्टैंडिंग अंडर द ट्री गैदरिंग ब्लॉसम्स. देयर वॉज अ पिक्चर ऑफ इट और सॉरी there was a picture on it of a tree covered with white and pink cherry blossoms. Blossoms मतलब flowers. फिर एक picture था, right? जिसमें एक pink और white cherry flowers थे, जो उससे पूरा ढका हुआ था. वो दोनों औरतें वहाँ खड़ी खड़ी उस ट्री को देख रही थी और वो जो फ्लावर्स है उसे गैदर, यानी कि कलेक्ट कर रही थी. द टू वुमेन आर योर सेल्फ, सेड द वॉइस, एंड द ब्लॉसम्स आर द गिफ्ट्स दैट द फादर इन लॉ विल गिव यू व्हेन यू गो होम. अगेन,
The two women are yourselves, said the voice, and the blossoms are the gifts that the father-in-law will give you when you go home. ये जो फ्लावर्स है, राइट, फिर उस वॉइस ने कहा कि ये जो फ्लावर्स है, राइट, यही गिफ्ट आपके ससुर जब आप घर जाओगे तब आपको देने वाले हैं. द यंगर वुमन वॉच द पेपर डाउटफुली. हियर इज द पेपर एंड देर इज ऑलवेज प्लेंटी ऑफ विंड. वाई नॉट टेक इट, सेड द वॉइस. But I do not know how, the younger woman answered sorrowfully. This way, of course, said the voice. फिर जो बड़ी छोटी बहू थी उसे डाउट था इस पेपर के बारे में. फिर उस वॉइस ने कहा कि ये रहा पेपर जिसके अंदर आप थोड़ी सी विंड ले जा सकते हो, राइट. फिर बट आई डू नॉट नो हाउ, द यंगर वुमन आंसर्ड. लेकिन जो यंगर वुमन थी, छोटी बहू थी, उसने ऐसा कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इसे कैसे ले जाया सके. तो उस वॉइस ने कहा कि इस तरह से it folded itself over and under again and again. Finally it opened and closed and it waved itself before the tearful face of the younger woman. फिर उस वो जो पेपर था उसे over, under, again ऐसे fold करते एक fan जैसा बना दिया गया. और फिर younger woman को बोला कि ये रहा, अब इसे आप ले जा सकते हो. Doesn't the wind blow into your face? Asked the voice. फिर उसने ऐसे ऐसे किया, right? इसे हिलाया तो हवा आ रही थी. तो उस voice ने उसे पूछा कि क्या अब तुझे तेरे चेहरे से ये हवा महसूस नहीं हो रही है. And it is the fan that has brought it. The lantern carries fire wrapped in paper and the fan carries wind wrapped in paper. The younger daughter-in-law was delighted to know this. फिर उस आवाज़ ने कहा कि यह लैंटर्न है जो फायर कैरी कर रहा है पेपर में रैप की हुई, और ये जो फैन है, राइट, वो भी पेपर में रैप की हुई विंड ही है, राइट. तो दोनों बहुएँ ये जानने के बाद बहुत ही खुश हो गई. Then the two young women were besides themselves in the happiness. फिर वो दोनों बहुएँ बहुत ही खुश होके वापस लौट रही थी. When they returned home and showed their father-in-law the lantern and the fan, he was very pleased and gave them beautiful gifts of gold and silver. फिर जब वो दोनों वापस अपने घर गई और अपने ससुर को लैंटर्न और फैन दिखाया, तो उसके ससुर उन दोनों से बहुत ही खुश हो गए और बदले में उनको बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट दी, गोल्ड एंड सिल्वर की. ही सेड नो वन एवर हैड सच मार्वल्स. मार्वल्स मतलब वंडरफुल एंड एस्टोनिशिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब एकदम अद्भुत चीज़ है. बिफोर एज द लैंटर्न एंड द फैन, मैं किसी के पास भी ऐसी अनमोल चीज़ें लैंटर्न और फैन जैसी नहीं होंगी. हाउएवर इन माय होम देर आर टू थिंग्स दैट आर इवन मोर प्रेशियस देन दिस एंड दे आर माय टू डियर डॉटर्स. प्रेशियस मतलब वैल्यूएबल. मेरे घर में तो दो दो प्रेशियस थिंग्स हैं जो मेरी दोनों बहुएँ हैं. So guys, here chapter number 7's explanation is completed. इसकी exercise है वो मैंने PDF बना के, hard words और वो सब PDF बना के मैंने Google Classroom में डाल दिया है. Please watch it, do comments. Take care. Bye-bye.